अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ में मुगलई चिकन चीज़ एंड एग पराठा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। साथ ही में जो ऑल है वहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्राइंग पैन ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून के करीब कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटी सी प्याज जिसे हमने ऑमलेट कट कर लिया है। प्याज को हमें हल्का सा भून लेना है ताकि ये ट्रांसपेरेंट सी हो जाए। सिर्फ प्याज का जो कच्चापन है वही हमें दूर करना है, ज़्यादा कलर इसे नहीं देना है। अब 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें ले लेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। तो चिकन का कीमा यहाँ पर हमने लिया है 250 ग्राम, इसे अच्छे से वॉश करके इसमें मिला देंगे। साथ ही में प्याज, अदरक लहसुन और चिकन को अच्छे से भून लेंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। लगातार चलाते हुए इसे भून लेंगे ताकि चिकन का जो पानी होता है वो भी रिलीज़ हो जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, आप अपने अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और इसे ढककर हम मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 से 6 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन का कीमा बहुत ही इजीली गल जाता है, इसीलिए 5 से 6 मिनट काफ़ी है इसे पकाने के लिए। इसका पानी ड्राई कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब आटे गूंदने के लिए 1 कप हमने मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा ले सकते हैं, लेकिन मैदे में इसका कलर और टेस्ट अच्छा आता है। 2 टेबल स्पून हम इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और 1/2 कप पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हमें इसे गूंद लेना है, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम। अब इसे हम रख देंगे ऑयल लगाकर साइड पे ताकि इस पर पपड़ी सी ना जम जाए। तो इसे सिर्फ ऑयल इस तरह लगा देंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। अब एक बोल में हम 1 प्याज को ऑमलेट कट कर लेंगे और इसमें ऐड कर देंगे 2 अंडे। साथ ही में सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, याद रहे कि हमने आटे में और चिकन में भी नमक ऐड किया था, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। 2 छोटी सी हरी मिर्च हम कट कर लेंगे, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या इसकी जगह ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे कोथमीर फ्लेवर के लिए। और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। तो हमारा ये वाला बैटर भी रेडी हो चुका है। अब आटे में से हम थोड़ा सा लेंगे और इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। जितना पतला हो सके इसे रोल कर लेना है हमें। तो चारों तरफ से बेलते हुए इसे अच्छे से रोल कर लेंगे। रोल हमने कर लिया है और इसमें हम बीच में रखेंगे 1 टीस्पून चिकन। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से चिकन रख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी चिकन इसमें ना रखें। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ही हमारा अंडे का मिक्सचर। साथ ही में यहाँ पर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो अमूल का जो नॉर्मल चीज़ होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो चीज़ भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से पैक कर लेंगे। तो चारों तरफ से इस तरीके से पैक कर देंगे इसे, अच्छे से दबा देंगे और एक पार्सल सा बना लेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो इसे लो फ्लेम पर हमें 10 से 12 मिनट तक फ्राई करना है।
ताकि जो चिकन तो है वो पहले से पका हुआ है लेकिन अंडा भी पकना चाहिए, इसीलिए हमें इसे लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। फिर 2 मिनट कलर आने के लिए हम फुल फ्लेम पर रख देंगे। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी सा हो चुका है ये, और मैं आपको कट करके बता रही हूँ, अंडा भी पूरा अच्छे से पक चुका है। तो देखिए आप कितना इजी है ये मुगलई चिकन चीज़ पराठा बनाना। देख सकते हैं आप चिकन भी अच्छे से पक चुका है, अंडा भी है जो वो भी पक चुका है, और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँगी मैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।